हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माहू रश्मि एंड मैं आज आप लोग लेके आई हूँ क्रिसमस पार्टी हॉल अगेन एंड मैंने जो लास्ट वीडियो पे आप लोगों से कहा था वही बात मैं सेम इस बारी भी कहूंगी कि अगर आप लोग क्रिसमस पार्टी पे इनवाइटेड नहीं है तो ऐसा कुछ आप लोग न्यू ईयर पार्टी के लिए परचेज कर सकते हैं और अगर आप न्यू ईयर पार्टी भी नहीं बनाना चाहते तो क्रिसमस की थीम मोस्टली रेड होती है और मैंने सारे ही प्रोडक्ट रेड कलर में पिक करे हुए हैं तो आप लोग उसे डेफिनेटली शादी पार्टी में पहन सकते हैं तो आप लोग उसे भी परचेज कर सकते हैं इसी के साथ साथ बिना देर करते हुए हम चलते हैं माय प्रोडक्ट्स की तरफ एंड देखते हैं कि मैंने क्या क्या परचेज किया सारे ही प्रोडक्ट्स मैंने वैसे तो मिंत्रा से परचेज किए हुए हैं अगर डिफरेंट साइट से परचेज किए होंगे तो उसकी परचेजिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जरूर दे दूंगी तो आप लोग चेकआउट करना मत भूलिएगा कोशिश मैंने यही करी है कि सारा का सारा मैं इंडियन वेयर कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्योंकि मेरे पास लास्ट वीडियो के बाद बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि रश्मि आपने वेस्टर्न वेयर तो काफी कुछ आपने शेयर कर दिया है बट कुछ इंडियन वेयर सूट्स वगैरह आप शेयर करिए ताकि हम लोग भी पार्टीज में ऐसा कुछ पहन पाए तो भाई सबसे पहले मैंने एक पिक किया है सूट सेट ये थ्री पीस सूट सेट फ्रॉम द ब्रांड इंडस एंड सूट सेट काफी ही सुंदर सा है एंड बहुत अच्छा सा है इसकी आपको सिर्फ मिलने वाली है स्ट्रैप में सिर्फ सिंगल स्ट्रैप मिल जाएगी आपको एंड साथ ही साथ इन लोगों ने गोटे पट्टी का काम किया है बहुत ही खूबसूरत सा है इसकी, आपको दोनों ही साइड से वी मिलने वाली है फ्रंट से भी एंड बैक साइड से भी किया गया है गोल्डन कलर की जरी से ये जो वर्क है आपको पूरे ही कुर्ते में देखने को मिलेगा पूरे ही कुर्ते में सेम वर्क किया गया है हम इसके बात करते हैं इनर की तो इनर आपको मिलने वाला है क्रैप फैब्रिक में जो कि काफी सॉफ्ट सा है हार्ड वाला क्रेप यूज नहीं किया गया है इसमें और पूरे ही कुर्ते में आपको इनर मिल जाएगा जो कि काफी सॉफ्ट सा है बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा आपको ये पहनने में तो इसके बॉटम की बॉटम में आपको मिलने वाला है पैंट बिल्कुल ब्राइट सा राइट कलर है इसका फ्रंट में आपको बेल्ट मिल जाएगा बैक साइड ही आपको इलास्टिकेटेड मिल जाएगा एंड दोनों ही साइड आपको पॉकेट मिल जाएगी इस पैंट में हम पैंट की बात करें तो पैंट बिल्कुल स्टैंडर्ड स्टाइल में डिजाइन किया गया है पहनने में काफी कंफर्टेबल है फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक इसका मिलने वाला है आपको कॉटन जो कि काफी सही है और इसी के साथ आपको मिल जाएगा दुपट्टा जो कि मिलने वाला है नेट फैब्रिक में दुपट्टे की लेंथ सिर्फ टू मीटर है बट ठीक भी है और जो स्ट्रैप में काम किया गया है कुर्ते के ले गोटे का वही गोटा दुपट्टे के चारों तरफ लगा दिया गया है जैसे कि दुपट्टा काफी अच्छा लग रहा है, तो है मैं पे, जो कि मैंने अगेन पिक किया हुआ है एक सूट सेट एंड ये सूट सेट बिल्कुल कॉटन फैब्रिक में है और पहनने में काफी कंफर्टेबल है इसमें मिल जाएगा कुर्ता एंड पैंट हम कुर्ते की बात करें तो कुर्ता आपको बैक साइड से सा आपको स्टैंड कॉलर मिल जाएगी एंड फ्रंट से मिल जाएगा राउंड और हल्का सा वी मिल जाएगा इसमें बॉर्डर की डिटेलिंग कर दी गई है जो कि काफी अच्छी लग रही है और ये बॉर्डर बिल्कुल नीचे तक यहाँ तक आएगी टमी सेक्शन तक जो कि काफी अच्छी लग रही है हम इसके स्लीव्स की बात करें इसकी आपको मिल जाएगी थ्री फोर्थ एंड वही सेम बॉर्डर जो नेक पे यूज की गई है वही बॉर्डर की डिटेलिंग इसके में में कर दी गई है चार स्ट्रैप जो कि काफी खूबसूरत लग रही है पूरा कुर्ता वैसे तो आपको प्लेन मिलने वाला है बट इस ये थोड़ा सा ए लाइन कुर्ता है तो आपको बॉटम पार्ट में आपको एक प्लेट्स वाला पैटर्न मिल जाएगा प्लेट्स काफी दूरी में बनाई गई हैं और ये ब्लॉक प्लेट्स बनाई गई हैं जिससे कि फ्लेयर काफी अच्छा आ रहा है कुर्ते का जो बॉर्डर का यूज स्लीव्स में और नेक में किया गया है वही बॉर्डर का यूज कुर्ते के बॉटम में भी किया गया है जो कि काफी अच्छा लग रहा है और ये बैक और फ्रंट दोनों साइड ही किया गया है पूरा प्लेन कुर्ता है आप इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं और बहुत सुंदर और बहुत डिसेंट सा पीस है ये बॉटम में प्लाजो एंड प्लाजो फ्रंट में आपको इसके बेल्ट मिल जाएगा एंड बैक साइड इलास्टिकेटेड मिल जाएगा प्लाजो की चौड़ाई ज्यादा तो नहीं रखी गई है बट हाँ सही है पहनने में काफी कम्फर्टेबल है फैब्रिक इसका प्योर कॉटन है पूरा ही प्लेन है ये काफी अच्छा लगा आप उसे चाहें तो आप इसे भी परचेस कर सकते हैं सो so गाइस इसी के साथ साथ हम चलते हैं मैं नेक्स्ट पे जो कि मैंने पिक किया है बिल्कुल सिंपल सा कुर्ता जो कि प्रिंटेड है डिफरेंट डिफरेंट डिफरें कलर में इसका फैब्रिक आपको मिलने वाला है कॉटन कुर्ता दिखने में जितना सुंदर है पहनने में उतना ही कंफर्टेबल है नैक आपको बैक साइड से इसकी स्टैंड मिल जाएगी एंड आपको इसका फ्रंट में आपको नैक मिलने वाली है राउंड एंड यहाँ पे बटन की डिटेलिंग कर दी गई है जो बटन यूज किए गए हैं वो लकड़ी वाले बटन से और इसमें मल्टी कलर की आपको प्रिंट मिल जाएगा जो कि काफी खूबसूरत सा लग रहा है हम इसकी स्लिप्स की बात करें तो स्लिप इसकी मिलने वाली है आपको थ्री फोर्थ एंड स्लिप्स में अगेन बटन की डिटेलिंग कर दी गई है हल्का सा जो कि काफी अच्छा लग रहा है कुर्ता पूरा ही सेम प्रिंट है पूरे ही कुर्ते में फ्रंट में भी एंड बैक में भी अगर आप ऐसा कुछ सिंपल पहनना चाहें तो डेफिनेटली इसे परचेज कर लीजिएगा मैं आपको हाई रिकमेंड करूंगी ये और ये काफी अच्छा है और बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली है तो आप इसे डेफिनेटली परचेज कर लीजिएगा इससे कि ये होगा कि आपको क्रिसमस का क्रिसमस भी हो जाएगा एक ड्रेस कोड भी हो जाएगा आपका सो बाइस इसी के साथ साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पीस पे जो कि माने बिल्कुल ही विंटर अप्रोप्रिएट है एंड साथ ही साथ आप इसे क्रिसमस पार्टी में भी पहन के जा सकते हैं आ, ये है एक कोट जो कि काफी काफी सुंदर सा है बहुत ही अच्छा लगा हम इसकी फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक बिल्कुल सॉफ्ट वाला फैब्रिक है और पहनने में बहुत ही कम्फर्टेबल है क्योंकि विंटर में आप ये कुछ सब कुछ तो पहन लेंगे बट आपको लेयरिंग जरूर करनी पड़ेगी तो आप अपने ड्रेस में कुछ ऐसा एड ऑन कर सकते हैं जो कि पहनने में काफी खूबसूरत सा है इसे फ्रंट पार्ट की बात करें तो फ्रंट में आपको ये बटन मिल जाएंगे ट वाले बटन्स मिल जाएंगे साथ ही साथ आपको इसमें जिप मिल जाएगी ओपन एंड क्लोज करने के लिए पहनने में काफी कंफर्टेबल है बहुत ही सॉफ्ट सा है फ्रंट में आपको पॉकेट मिल जाएगी सिर्फ इसकी मिलने वाली आपको पूरी फुल फुल में आपको बटन्स की जाएगी सेम टाइम पे जो कि काफी अच्छी लग रही है पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है इसमें आपको मिलने वाला है इनर जो कि है क्रिप फैब्रिक में और ये काफी वार्म होने वाला जैकेट है तो आपको इसके साथ ज्यादा लेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी और इसकी कैप आपको मिलने वाली है कुछ ऐसी एंड कैप में यूज किया गया है फैदर जो कि कि काफी अच्छा लग रहा रहा है है बिल्कुल गलिश लुक दे रहा है ये कैप एंड मैं आपको इसको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप लोग ऐसा कुछ परचेज कर ले विंटर्स के लिए तो आपका क्रिसमस भी हो जाएगा न्यू ईयर भी हो जाएगा एंड विंटर वीयर के लिए आपके वाटरूम में एक कलेक्शन ऐड हो जाएगा सो गाइस सीधा मेरा आज का कलेक्शन अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेंगे तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो